सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एनएचपीसी लिमिटेड की जो रिक्रूटमेंट आया हुआ था उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है रिलेटेड टू सिलेबस। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस में क्या क्या कंटेंट होंगे वो सारा देखना है, और कहाँ से प्रिपरेशन करना है वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सेकेंड पॉइंट आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं आपके अकाउंट्स वाले पोस्ट के लिए, कितने वैकेंसीज थी और कितने यहाँ पे लोगों ने एप्लीकेशन फिल किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। एनेक्सर यहाँ पे ए है, जो इंडिकेटिव सिलेबस यहाँ पे बता दिया गया है, मतलब ये सिलेबस आपको बताया गया है फॉर प्रिपरेशन, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो सेक्शन होंगे टोटल। पहला सेक्शन यहाँ पे सेक्शन वन है, जिसमें नॉन टेक्निकल होगा, यानी कि अदर देन फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। तो उसमें क्या है, यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस आपको बता गया है, आप देख लेंगे वेबसाइट पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन टू यहाँ पे देखिए बताया गया है जनरल अवेयरनेस होगा। तो फर्स्ट सेक्शन में आपका ये सारी चीज़ें हो गई, जहाँ पे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, वर्बल नॉन वर्बल आपका टॉपिक हो गया। सेक्शन टू में आपका हो गया जनरल अवेयरनेस, यानी जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ये कितना होगा कैसे होगा वो सारा चीज़ आपको बाद में पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पार्ट है जो कि आपका टेक्निकल, यानी कि जिसने जिस फील्ड से भरा होगा उसको उस फील्ड के से रिलेटेड क्या सिलेबस है वो बताया गया है। लाइक इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग, राजभाषा का राजभाषा, फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड फाइनेंस अकाउंट, मैकेनिकल का मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरीके से बताया गया है। तो आइए हम अब देख लेते हैं फाइनेंस अकाउंट से क्या सिलेबस है। सो यहाँ पे आप आ जाएंगे तो जो आपका थर्ड सेक्शन यानी कि फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड है, इंडिकेटिव यहाँ पे बताया गया सिलेबस पेज नंबर 11 पे आपको मिलेगा, सबसे लास्ट में ही दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट वाइज क्या क्या सिलेबस होने वाला सारा बताया गया है। अकाउंट से रिलेटेड है, डबल अकाउंटिंग, एंट्री रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस, कॉन्स्टिक कॉन्सेप्ट सच एज मार्जिनल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये आपका यहाँ पे कुछ फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, जहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। और ये सारी प्रिपरेशन आप इंटरमीडिएट के बुक से कर सकते हैं, चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पीएसयू प्रिपरेशन करके है, वहाँ पे ये इनमें से काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे बजट एंड बजटरी कंट्रोल, टाइप्स ऑफ बजट, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन ही आपको आएंगे, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पता होना चाहिए। थर्ड यहाँ पे है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी टैक्स से रिलेटेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स मिनिमम यानी कि मैट अंडर इनकम टैक्स। तो ये सिलेबस यहाँ पे कॉम्प्रेहेंसिव एक तरीके से बता दिया गया है। फोर्थ यहाँ पे है आपका फाइलिंग ऑफ TDS, DVAT, सेंट्रल GST, इन सब से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स एंड इंक्लूडिंग डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद पॉइंट नंबर फाइव है मॉडल ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अडॉप्शन ऑफ IND AS, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, यूटिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ BRS, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस का बता दिया गया, काफ़ी वास्ट सिलेबस बताया गया है। जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ आपको, कोई भी PSU का एग्ज़ाम आएगा सब वैसे ही मेंशन करेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो एक बार आपने किसी PSU का प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया है तो ये आपके हर PSU एग्ज़ाम में काम आ जाने वाला है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कितने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ जो सीनियर अकाउंट की वैकेंसी है, सो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है। टोटल यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन तो 7029 कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फिल किया है, EWS 277, OBC 1527, SC 505 एंड ST अपना 78, एंड 4642 अनरिजर्व लोगों ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है। जो CVT का डेट होगा वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आ चुके हैं, नंबर ऑफ कितने एप्लीकेशन फिल हुए हैं वो भी आ चुका है, सिलेबस क्या है वो भी आ चुका है। तो उस बेस पे आप अपना प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर दीजिए। इंटरमीडिएट आप CA या CMA आपने किया है तो उस बेसिस पे इंटरमीडिएट के बुक्स आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगे। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो भी प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं। सो आई होप कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए, अदरवाइज आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए। विद इन आई थिंक 20 डेज आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब सिलेबस भी आ चुका है। सो
20 टू 25 डेज में आपका एग्जाम डेट भी आ जाएगा. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक इफ यू लाइक.